रुमान रईस मेरा नाम है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग खेल शेल के पेज फेसबुक पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, खेल शेल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ये इंटरव्यू खेल शेल पे ज़रूर देखिएगा। बचपन से ही बहुत शौक़ था मुझे कि क्रिकेटर बनने का, लेकिन सम टाइम वालिद साहब और वालदा ने कहा कि पहले पढ़ो, तो पहले अपनी मैट्रिक और इंटर कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने 2007 में अपना इंटरेस्ट शो किया क्रिकेट का सारा। फिर मैंने UBL एकेडमी में आके एकेडमी ज्वाइन करी और अल्हम्दुलिल्लाह 2008 के अंदर मेरा UBL का डिपार्टमेंट मंसूर अख्तर के दौर में लगा। उन्होंने मुझे बड़ा लाइक किया कि अच्छी बॉलिंग करता है, तो उन्होंने मुझे सैलरी पर रखा। उसके बाद फिर इसी तरह आगे प्रोसीजर चलता रहा। आज़म खान पाकिस्तान CC के जो हमारे मेंटोर हैं, जो कोच हैं, उन्होंने मुझे देखा एक जगह मैच में बॉलिंग करते, वो अपने क्लब में ले गए और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। फिर मैं डोमेस्टिक की जो हमारी सीनियर डिस्ट्रिक्ट और अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट होती है, मैंने उसका भी पार्ट लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस करता रहा, आगे आगे ग्रेजुअली मैं हर चीज़ में बढ़ता रहा। फिर उसके बाद 2010 में मेरा जो है वो वनडे डोमेस्टिक का कराची डॉल्फिन से मेरा डेब्यू हुआ समी भाई की कप्तानी में, और उसके बाद शाहिद भाई की कप्तानी में 2011 में मैं डोमेस्टिक T20 खेला अगेंस्ट पेशावर, और फिर फर्स्ट क्लास में खेला अगेंस्ट वापडा। तो बड़ा मतलब अच्छा प्रोसीजर गुजरा मेरा, और फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर सारी क्रिकेट खेल। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली का नाम लूँगा, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट के बगैर ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसके बाद फिर मैं अपना आज़म भाई का नाम लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे शुरू में जब उन्होंने मुझे सारी स्टेज दिखाई है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कि उन्होंने मुझे ये एनालाइज़ कराया कि तुम में टैलेंट है, तुम पाकिस्तान से खेल सकते हो, तो अपनी मेहनत मत छोड़ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा वेल विशर होते हैं, तो इसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं वो एक्स क्रिकेटर, जिसमें उन्हें नदीम खान भी आते हैं, मंसूर अख्तर भी आते हैं, मसूद अनवार भी आते हैं, उमर रशीद आते हैं, जिन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव वे में समझाया कि तुम में टैलेंट है, अपने टैलेंट को ज़ाया ना होने दो और पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, अपनी परफॉर्मेंस इस पर फोकस करो, इंशाल्लाह तुम पाकिस्तान ज़रूर खेलोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पाकिस्तान से खेला हूँ और मेरी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी खेलूँ। मैं बेसिकली शुरू से वसीम भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैंने उनको देख के ही क्रिकेट खेलने का मुझे शौक़ हुआ था, क्योंकि हम जब ऑस्ट्रेलिया वगैरह के मैचेस होते थे तो रात को 3-3 बजे उठ के सिर्फ वसीम भाई की वजह से मैच देखता था कि उनकी बॉलिंग देखनी है, और हमेशा मैं उनको फॉलो करता हूँ उनकी हर चीज़ में, चाहे वो लाइफ स्टाइल हो, चाहे उनकी परफॉर्मेंसेज हो जो पाकिस्तान से उन्होंने दिए हैं, पाकिस्तान को सर्व किया, और जो उनकी बॉलिंग है वो तो दुनिया को पता है कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखूँ, और मैंने काफ़ी हद तक सीखा भी है और उनकी चीज़ों को बताए हुए चीज़ों को अमल भी किया है, तो मुझे बहुत मज़ा आया उनकी चीज़ों को साथ काम करने में। जो पूरा PSL इस वक्त पाकिस्तान में आ रहा है, तो ये तो बहुत एक खुशाइन वाली बात है और बहुत पॉजिटिव साइन है हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट, जो हमारी अब जैसे रिसेंटली अभी आप सुन रहे होंगे कि जैसे टेस्ट सीरीज़ भी होने वाली है 10 साल के बाद, तो इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे ऑलमोस्ट अब खुलते जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और पूरे नेशन के लिए। तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस साल पूरा PSL जो है वो पाकिस्तान में होने वाला है। PSL लास्ट 2019 वाला, तो मुझे प्ले ऑफ में एक पेशावर जर्मी के खिलाफ इंजरी हो गई थी बैक की बॉलिंग करते हुए, तो उसके बाद से फिर मुझे 2 महीने का बेड रेस्ट मिल गया, क्योंकि मैंने स्कैन्स वगैरह कराए तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि इसकी सर्जरी करा लो, लेकिन फिर मैंने काफ़ी अपने सीनियर प्लेयर से जो है ना वो डिस्कस किया और अपने डॉक्टर से डिस्कस किया UK वाले से, तो उन्होंने मुझे सर्जरी का मना किया, तो मैंने उस सर्जरी का माइंड बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि मैंने सर्जरी नहीं करानी, क्योंकि मैंने रिसेंटली कराई थी। तो मैंने कहा यार नहीं, अब मैं सर्जरी की तरफ नहीं जाऊंगा, अब मैं अपना फोकस जो है ना, मैं अपने विल पावर से इंशाल्लाह अपने आप को खड़ा करूंगा। और बीच में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, काफ़ी डिसहार्ट हुआ, लेकिन फिर इन दी एंड वही बात होती है कि आपकी अगर फैमिली सपोर्टिव है और आपके जो इन्वायरमेंट में लोग हैं अगर आपके वो सपोर्टिव हैं, तो आप वापस आने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह मैंने वापस आने की कोशिश करी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नाम लेकर मैंने रिहैब स्टार्ट किया। प्रोसीजर के बाद आज मैं इतना फिट हो गया हूँ कि माशाल्लाह मैं मैचेस भी खेल रहा हूँ अपने, मैं अपना प्रॉपर नेट पे बॉलिंग भी करता हूँ साथ साथ आधा ओवर, और मैं अपनी बैटिंग भी करता हूँ, तो मैं हर चीज़ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कि अपकमिंग जो भी मेरा टूर्नामेंट आ रहा है, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी है, उसको मैं प्रॉपर अवेल करूँ। वंस अगेन PSL 5 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करूँगा, आई एम वेरी एक्साइटेड। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इस वक्त सिर्फ ये फोकस कर रहा हूँ कि मुझे अपनी फ़िटनेस इम्प्रूव करनी है, मज़ीद जो मेरे पास टाइम बचा है PSL तक का, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो 2 साल में मेरे साथ हो गया,
मेरी नी इंजरी, मेरी बैक इंजरी, उसको मुझे अब अपने माइंड में नहीं लाना। मुझे अल्लाह ने फिर अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने आप को प्रूव करूं और अपने आप की स्किल्स को दुनिया को दिखाऊं, ताकि मैं फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और मैं फिर अपने तमाम क्रिकेट खेल सकूं। तो मेरा फोकस इस वक्त सिर्फ ये है कि मैं अपनी फ़िटनेस को और बेहतर से बेहतर की तरफ लेकर जाऊँ और अपने गेम पर फोकस करूँ और अपनी बॉलिंग अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करूँ, क्योंकि रिजल्ट इन दी एंड अल्लाह ताला के हाथ में होता है, आपके कंट्रोल में नहीं है। चीज़ें जो चीज़ मेरे कंट्रोल में, मैंने वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करी। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये किसी की कॉपी नहीं है, मैंने आज तक कभी किसी को करते हुए नहीं देखा था। लेकिन एक दफ़ा मैं डोमेस्टिक खेल रहा था तो मेरे एकदम माइंड में आ गया था, तो मैंने जब किया तो मेरे अपने ही टीममेट्स ने मुझे कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है और अच्छा यूनिक स्टाइल है, तो तुम PSL आने वाली है, ये PSL 2 की बात है, तो PSL 2 आने वाली है, तो तुम जो ना इसको वहाँ अप्लाई करना, तो होपफुली कि लोगों को पसंद आए और एक एंटीक चीज़ बन जाए। तो जब मैंने किया तो काफ़ी लोगों ने शुरू में क्रिटिसाइज़ किया कि इसके अंदर एटीट्यूड बहुत है, बहुत एरोगेंट है, लेकिन जब मैंने अपने इंटरव्यूज़ में उसको डिस्क्राइब किया तो लोगों को फिर बहुत पसंद आने लगी और आधे से ज़्यादा लोग मुझे इसी वजह से जानते हैं कि यार आपकी सेलिब्रेशन बहुत अच्छी है। प्लेयर्स तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे प्लेयर्स आ भी रहे हैं, लेकिन ये कि इस वक्त मैं उन प्लेयरों को आउट करने का ख्वाहिशमंद हूँ जो आजकल T20 क्रिकेट में बहुत डोमिनेटिंग है, जैसे जेसन रॉय हो गए और क्रिस लिन हो गए, इस टाइप के जितने प्लेयर होते हैं हार्ड हिटर, तो वो आपकी टीम को डोमिनेट करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनको आउट करूं और अपनी सेलिब्रेशन अपनी वापस लाऊं। उस चीज़ मेरा फ्यूचर गोल बहुत सिंपल है, मैं अपने टीम को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, चाहे वो डोमेस्टिक की हो चाहे वो पाकिस्तान टीम हो, और मैं ऐसा सर्व करना चाहता हूं जो मैं जहां छोड़कर गया था उससे बेहतर मैं परफॉर्मेंसेस करूं, ताकि लोगों के दिल में मैं फिर एक बार अपनी जगह बनाऊं और अपने फैंस को डिसअपॉइंट ना करूं। तो मेरा गोल बहुत सिंपल सा है कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं और अपनी मेहनत के बाद मुझे सिर्फ ये करना है कि मैंने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, और उसके रिजल्ट इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली अच्छे मेरे फेवर में आएंगे।